वही खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां जिले के रामपुर प्रखंड के अकोड़ी गांव में भारत माला एक्सप्रेस वे निर्माण में अधिग्रहित किए जाने वाले किसानों की भूमि का उचित मुआवजा दिलाने की मांगों को लेकर किसान संगोष्ठी में बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और रामगढ़ आरजेडी विधायक सुधाकर पहुंचे, जहां किसानों की समस्याओं और एक्सप्रेसवे निर्माण में अतिग्रहित किए जा रहे भूमि का बाजार रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं। वहीं सुधाकर सिंह ने एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर भी हमला बोला है।